और मैंने जब से आपके तलवंजी में खुदा ना, अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी, जौ का दलिया, रात को हल्दी दालचीनी वाला दूध और वो जो आप इसबगोल का छिलका और तुख मलंगी का वो बताते हैं, मैंने लेना शुरू किया। मैं और मेरी बीवी हम सिर्फ 1.5 हफ्ते में ऐसे हो गए जैसे हम हमारी 25 साल वाली उम्र आ गई। फिर कहता हमने एहतमाम किया कि यार वो दवाइयाँ खाएं, डॉक्टर साहब और क्या कहते हैं। क्या करता है वो, अपने घर के बाहर एक प्रोजेक्टर लगाता है और उसमें मेरी जितनी वीडियो है उसको डबिंग करके गोरों को सिखाता है। और वो कहता है कि जब मैं यहाँ मछली बनाता हूँ ना तो एक लाइन लगती है और वो मछली सिर्फ सरसों के तेल में पकती है। ये लोग पूछते हैं कि आप लोग क्या उसमें मंत्र पढ़ते हो कि आप जैसी मछली कहीं पे भी, क्योंकि सरसों का तेल UK में अलाव नहीं है और उसका जो बेटा है वो वहाँ पे बैरिस्टर है। और वो कहते हैं कि हमारी अपनी लाइफ में हम इसको जैसे हम हर चीज में आजाद हैं, वो अपने खाने पकाने में आजाद हैं। अब वो बंदा कहता है कि जब से आप हमारी जिंदगी में आए हैं, और अब वो कलवंजी निदाने के पैकेट बना बना के लोगों को कहता है कि आप खाया करो, इसको पानी उबाल के ये पानी पिया करो। कहता हमने कई 100 गोरियों को कलवंजी निदाने पे लगा दिया, ये चटनी बना के पैकेट बना बना के वो लोगों को जाके देता है कि आप इसको खाया करो। और वो कहता है कि जब मेरे पास बाबा रामदेव आए थे जो इंडिया के बहुत बड़े बा, तो कहता है कि मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं, हमारे पास कुछ 2.5 से 3 लाख पेशेंट थे IBS के, IBS कहते हैं इरिटेशन बाउल सिंड्रोम को। वो कहता है कि हमने वो बाबा रामदेव ने कहा कि वो डॉक्टर शाफा जो कहते हैं ना 32 बार चबाओ, हमने उसके ऊपर प्रैक्टिकली लोगों को अमल कराया और लोग ठीक होते हैं। यही बात अब्दुल सलाम भुटवी साहब कहते हैं मैं 27 साल से इस संग्रहणी की बीमारी में था। और डॉक्टर साहब मैं उनको मिलने के लिए गया, उन्होंने मुझसे पूछा, तीसरे दिन वो मेरे घर आ गए अब्दुल सलाम भुटवी साहब। कहते डॉक्टर साहब कमाल हो गया। मैं क्या हुआ, कहते मैं ठीक हो गया। IBS इरिटेशन बाउल सिंड्रोम, वो खाना जब खाते थे लूज मोशन आ जाता था। वो बताते मैं 32 दफा नहीं चबाता था, मैं 50 दफा चबा जाता था। लेकिन क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट है। अब बड़े बड़े लोग अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो कर रहे हैं। नहीं ये तो है, आजमा के देखा है इस तरह, एक तो कम खाने में पेट भर जाता है और फिर उसका जायका जो है ना, खास तौर पर रोटी के मामले में भी ज्यादा फिर वाला कि रोटी जो है ना बाकी चीजों का मतलब नहीं, लेकिन रोटी में मैंने देखा है कि वो ज्यादा टेस्टी फीड ज्यादा आया जब उसे